हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टर्क एजुकेशन हब क्रिएटिंग पैशन टू लर्न आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पेमेंट सिस्टम देखिए आज के टाइम में आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं चाहे वो ऑनलाइन हो या वो फिजिकली बैंक ब्रांच पे जाके आप कर पा रहे हैं उनका विद इन नो टाइम होना वो पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ इंडियन पेमेंट सिस्टम या आप कह सकते हैं नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम शॉर्ट में एन के नाम से भी पुकारते हैं एन सी आई ठीक है एन पी सी आई वो कॉरपोरेशन है इंडिया की मदद से जिसने ये पॉसिबल किया हमारे लिए कि हम आज घर पे बैठ के कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं चाहे वो एन ई एफ टी के थ्रू हो चाहे वो यू पी आई के थ्रू हो चाहे वो आई एम पी एस के थ्रू हो है ना कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम ऑनलाइन आज घर पे बैठ के कर पा रहे हैं वो पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ एन पी सी आई ठीक है एन पी सी आई जिसको फाउंड किया गया बाई आर बी आई इन दिसंबर टू थाउजेंड एंड एट अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट टू थाउजेंड एंड सेवन ठीक है इसके हेड क्वार्टर्स हैं मुंबई में ओके okay? और जो करंटली चेयरमैन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के उनका नाम है श्री बिश्वा मोहन महापाद्रा और एमडी की अगर बात करें तो एमडी डी हैं दिलीप एसबे ठीक है ठीक है सर्विस की अगर बात करें तो एन जो है इट्स ऑलसो नोन एज अ कोर बैंकिंग सोल्यूशन ठीक है कोर बैंकिंग सोल्यूशन या सी बी एस यहाँ पर कोर की भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आप ध्यान में रखें कि कोर की फुल फॉर्म सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज ठीक है देखिए सर्विसज अगर हम देखें जो एन के द्वारा हमें प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो हैं एन ई एफ आर टी जी एस ए बी पी एस ए पी एस या आई एम पी एस या यू पी आई या भीम जो भी आप कोई आज सर्विस घर पर बैठ के यूज कर पा रहे हैं ये पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन पेमेंट सिस्टम या एन पी सी आई ठीक है सबसे पहली सर्विस की अगर बात करें चेक ट्रंकेशन सिस्टम या सी टी एस चक ट्रंकेशन सिस्टम जिसको कि फॉर्म किया गया इन ईयर टू थाउजेंड एंड टेन इट इज एन इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम मतलब देखिए क्या होता था पहले 2010 से पहले जो चेक होती है उसको वेरीफाई करने के लिए एटलीस्ट एक हफ्ता लगता था क्योंकि उनको वो चेक वेरीफाई डिजिटली नहीं होती थी वो क्या करते थे उस चेक को बाय पोस्ट भेजते थे अपने होम ब्रांच पे वहीं पे उसका सिग्नेचर और उस अकाउंट का बैलेंस वगैरह चेक किया जाता था और फिर उस चेक की पेमेंट होती थी लेकिन आज क्या होता है आज सारा ऑनलाइन है तो जो भी आप चेक लेके जाएंगे बैंक ब्रांच पे किसी भी ब्रांच पे वहाँ पे उस चेक को स्कैन किया जाएगा और अपने होम ब्रांच पे भेजा जाएगा फिर वहाँ पे जाके वो अपना सिग्नेचर वगैरह चेक करके आपको पेमेंट कर देंगे और इस पूरी प्रोसेस में आज मुश्किल से दस मिनट लगते हैं ठीक है ना लेकिन पहले पहले टू से पहले इसमें एटलीस्ट एक हफ्ता लगता था ओके ओके okay, तो चलिए एन पे एन मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र ठीक है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसको यहाँ पे किस आर ने फॉर्म किया था ठीक है ये एन बनने से पहले ही यहाँ पर मार्केट में आ चुका था इसका जो टाइम लिमिट है इट इज़ ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आप एन के थ्रू कभी भी कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है बट डिसंबर 16 2019 से पहले इसका टाइम लिमिट होता था सेवन ए एम टू सिक्स पी लेकिन 16 डिसम्बर 2019 के बाद इसको कर दिया गया है राउंड द क्लॉक मतलब 24 फोर इन सेवन ठीक है और विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 2020 इस पे जो एडिशनल फीस है वो कर दिया गया है जीरो ठीक है कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे यहाँ पर नहीं किए जाएंगे फॉर एन ई ट्रांसफर एन ई एफ टी सर्विस इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू नेपाल मतलब कि ये काफ़ी सारे लोग नेपाल के यहाँ पे इंडिया में आके काम करते हैं है ना बट एट द एंड ऑफ द डे उनको भी कुछ पैसे अपने घर पे भेजने पड़ते हैं है ना तो फॉर देम टू सेंड दे मनी बैक टू होम दे कैन ऑल्सो यूज दिस एनी एफ टी सर्विस ओके और उनके लिए यहाँ पे लिमिट है फिफ्टी थाउजेंड अ डे ठीक है चलिए बात करते हैं आर टी जी एस की आर टी जी एस या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट देखिए इसको भी यहाँ पे आर आर बी आई ने फॉर्म किया था बहुत पहले 2005 में ही यहाँ पे मार्केट में आ चुका था है ना उस टाइम एन की बात ही नहीं थी और इसका भी अगर अमाउंट लिमिट देखें तो मिनिमम आप दो लाख यहाँ पे कर सकते हैं ट्रांसफर बाय आरटीजीएस और हम मैक्सिमम कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं है ठीक है आप जितना अमाउंट चाहें उतना यहाँ पे आर के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं ठीक है तो इसके टाइम लिमिट की अगर बात करें तो इसका टाइम लिमिट यहाँ पे है ए टी टू सिक्स थर्टी पी एम ए एम टू सिक्स थर्टी पी एम बट दिसंबर 2020 के बाद मतलब इस महीने के बाद इसका भी जो टाइम लिमिट है वो कर दिया जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू सेवन और जनवरी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी से इसका भी जो एडिशनल फीस है वो कर दिया गया था जीरो ठीक है कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं यहाँ पे किया जाएगा फॉर आर पेमेंट चलिए बात करते हैं आई की आई एम पी या इमीजिएट पेमेंट सिस्टम इमीजिएट पेमेंट सिस्टम मतलब विद इन सेकेंड्स आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे बेनिफिशरी के अकाउंट में है ना जैसा कि यहाँ पे नहीं होता है यहाँ पे क्या होता है एनईएफटी में आधे घंटे से दो घंटे यहाँ पे लगते हैं है ना आरटीजीएस की अगर बात करें आरटीजीएस में भी एटलीस्ट ट्वेंटी फोर आवर्स लगते ही हैं लेकिन जो आई एम है इसमें विद इन सेकेंड्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है ठीक है लिमिट्स की अगर बात करें तो आप मिनिमम एक रुपया बेच सकते हैं और मैक्सिमम दो लाख भेज सकते हैं ठीक है चलिए बात करते हैं यू की यू या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और बीम ऐप यहाँ पे सबसे पहले यू को इंट्रोड्यूस किया गया था इसी ऐप के द्वारा हम यू का पहले यूज़ कर पा रहे थे ठीक है इसका स्लोगन था कि लेस कैश मोर डिजिटल मतलब इंडिया में हमें कैश लेस करना है बट डिजिटल मनी को ज़्यादा अडेप्ट करना है ठीक है ना और यू या बीम के थ्रू आप मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं ठीक है बाई ए पी बी एस ए पी बी एस मतलब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम जितने भी अकाउंट्स आपके आपके आधार के साथ लिंक्ड हैं वो सारे आपके यहाँ पे यू में या बीम ऐप में शो हो जाएंगे ठीक है अगर हम लिमिट्स uh, की बात करें तो यहाँ पे 20 ट्रांजैक्शंस आप एक दिन में कर सकते हैं ठीक है और मैक्सिमम एक लाख मैक्सिमम एक लाख आप अभी बीम के द्वारा या यू के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पे आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसका आपको वी पता है या जिसका गौ? जिसका आपको अकाउंट नंबर एंड आई कोड पता है या आपको उसका क्यू कोड है या आपको मोबाइल नंबर यह आपको आधार है ठीक है चलिए बात करते हैं बी बी पी एस की भारत बिल पेमेंट सिस्टम भारत बिल पेमेंट सिस्टम जिसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2013 ठीक है 2013 जो भी आप चाहे पेटीएम यूज़ करें मोबीक्विक यूज़ करें फ़ोनपे यूज़ करें जहाँ से भी आप अपना बिल पे कर पा रहे हैं तो वो बिल पेमेंट किसके द्वारा हो रही है वो बिल पेमेंट हो रही है बी के द्वारा ठीक है और 2019 के बाद यहाँ पे स्कूल एंड कॉलेज फी को भी ऐड कर दिया गया था ठीक है बात करते हैं एनएफएस की एनएफएस मतलब नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है तमाम ए का जितने भी ए इंडिया में हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ बाय नेशनल फाइनेंशियल स्विच ठीक है इसको यहाँ पे डेवलप किया था आई डी ने मतलब इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ठीक है 2004 में 2004 में इसको डेवलप किया गया था बाई आई डी और हैंड किया गया है 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 तो ऑन दिसंबर ठीक ठीक ओके मतलब ATMs, जितने भी ATM इंडिया के हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं बाय नेशनल फाइनेंशियल स्विच ओके बात करते हैं स्विफ्ट की स्विफ्ट मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकोम्युनिकेशन ये यहाँ पे एक वायर ट्रांसफर है ठीक है इससे आप कहीं पे भी इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इन सब के अलावा भी और कुछ सर्विसेज़ हैं जैसे कि ए ई पी एस है या रूपे है या स्टार नाइन नाइन हैश है तो इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया था बाई एन पी सी आई ठीक है ए ई पी एस मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ए ई पी एस मतलब आपको ना तो किसी डेबिट कार्ड की ज़रूरत है ना तो किसी क्रेडिट uh, कार्ड की ज़रूरत है बस आपको अपना आधार कार्ड चाहिए अपना आधार कार्ड नंबर चाहिए और अपना बायोमेट्रिक चाहिए ठीक है तो आप अपने किसी भी अकाउंट नंबर की यहाँ पे डिटेल या बैलेंस चेक कर सकते हैं आप पैसे निकाल सकते हैं या आप डिपॉजिट्स यहाँ पे कर सकते हैं अगर थीक। बात करें रुपए की रुपए एक इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट सर्विस है जिसको लॉन्च किया गया था वह एन ठीक है ऑन ट्वेंटी मार्च टू 2012, 2012, 2012 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था ठीक है ये कार्ड कहाँ कहाँ पे वैलिड है तो सबसे पहले इंडिया में तो है ही उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया था सिंगापुर में बाई एस बी आई सिंगापुर ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंगापुर उसके बाद भूटान और उसके बाद बहुत सारी कंट्री जैसे कि मालदीव सऊदी अरेबिया यू ए बहरीन एट्सेट्रा ओके ऑस्ट्रेलिया ठीक है इसके बाद अगर देखें हम स्टार नाइन नाइन है स्टार नाइन नाइन है एक सर्विस है उन कस्टमर्स के लिए जिनके पास यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है या जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं वो अपने नॉर्मल फ़ोन से स्टार नाइन एन हैश यू एस एस डी कोड डाइल करके मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई पी एम नरेंद्र मोदी एज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना ठीक है सो दिस वॉज इट फॉर टुडे आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ठीक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय